दोस्तों शादी का माहौल कितना बढ़िया सजा धजा है जो आपको बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। और इसी बीच हम एक सामूहिक जोड़े से बात करने की कोशिश करेंगे कि उन लोगों ने क्या सोच समझ करके सामूहिक शादी करने का निर्णय लिया। और समाज का जो डर है कि दहेज लेना और दहेज के बिना शादियां नहीं होती हैं, इसके बारे में कुछ इससे जानकारी लेंगे और इनके अंदर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उसके बारे में हम पूछने की कोशिश करेंगे। क्या नाम भाई साहब आपका? प्रतोष सिंह। प्रतोष सिंह, किस गांव से आए हैं आप? जी ग्राम जरवे, जिला फरुखाबाद। जिला फरुखाबाद, ग्राम निजामुद्दीन। अच्छा, जिला फरुखाबाद से चल करके आए हैं। ये बताइए, ये सामूहिक विवाह के बारे में आपको किसने बताया था? बाकी लोगों ने जानकारी दी, बाकी यहाँ से भी कुछ संपर्क मेरे को सूत्र मिली, बाकी मैं दिल्ली में रहता था वहाँ से भी कुछ काफी लोगों ने जानकारी दी मेरे को। जी, ये बताइए कि जैसे यहाँ का माहौल आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, ये हमारा पर्सनल गांव है और गांव में हर साल यहाँ पे शादी का माहौल रखा है। बहुत बढ़िया माहौल है और बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, सामान वामान क्या क्या देने के लिए बोले? जैसे ये जो शादियाँ है वो तो दहेज रहे थे, कुछ देना तो है नहीं? नहीं, हम बिल्कुल दहेज के बिल्कुल खिलाफ है। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, कोई दिक्कत नहीं। बहुत मतलब आप दहेज के खिलाफ इसलिए आप दहेज रहते में शामिल हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अपने आसपास के लोगों को इसके बारे में जागरूक करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जागरूक, हमेशा जब से हमने तय की है शादी सब लोगों को बताया। बाकी दहेज मान लो अपने समाज में एक ऐसा भय होता है कि वो सामूहिक विवाह मतलब उसमें समूह में कर रहा है तो इसलिए उसके पास कुछ होगा नहीं इसलिए शादी कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी हमको जो खुशी मिली है इस शादी से, मुझे अभी से सारी जिंदगी के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा। मेरे से बात करके आपको घबरा तो नहीं? ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई घबराहट नहीं हो रही है मेरे को। उसे यहाँ पे सामान मान क्या क्या देने के लिए बोले थे? मैंने तो फिलहाल में कोई मांग नहीं की सामान के बारे में, यहाँ पे जो मिलता है उसके बारे में वो नहीं, मेरे को ऐसा कुछ आइडिया नहीं है फिलहाल में। जो ये झपिया एक रखा हुआ है ये, और ये बर्तन वगैरह है, ये सब स्कूल का ही है ना? हाँ, नहीं अब ये तो मेरे को नहीं पता, स्कूल का ही होगा और क्या। अच्छा, मतलब आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है? चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बने रहिए। बिल्कुल इनसे हमने बातें किया और भी वीडियो आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे कैसा माहौल है। इधर मंच लगा हुआ है, इधर काफी दर्शक लोग भी दिखाई दे रहे हैं और बहुत से मतलब 501 जोड़ा का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 100 से प्लस शादियाँ यहाँ पर हो रही हैं, जो इस खाने में और रस्ती के उस खाने में भी यहाँ पे लोग हैं। वो भी वीडियो आपको अच्छे तरीके से दिखाएंगे। हमारी वीडियो को आप लाइक जरूर करिए और हमारे साथ बनने की जरूर कोशिश करिएगा। धन्यवाद। प्रमाण पत्र बांटने वाले साथियों से अनुरोध है, आप प्रमाण पत्र बांटते समय ओम च मंगले नियमदूरिवाम समेत पश्चत्वभाग्यमस्य परेतन। पाँच पर हो गया है तो आप जैसा मुझे कह रहे हैं आप संचालक महोदय जी वैसा कर रहे हैं। इस बीच में अनुरोध कर रहा हूँ मैं छोटू महोदय से, जो पांडव की धरती से चल कर रहा हूँ, आपसे अनुरोध है कि आप आशीष वचन के रूप में आए और दर्शन इन नव दंपत को आने वाले उपस्थित समाज को अपना संबोधन दो। आगे उन्हें मोबाइल पुराना मोबाइल है ना, मोबाइल नहीं है, उस समय मौसम अनुकूल रहता है और कार्यक्रम का नजारा बहुत ही देखने लायक होता है। बहुत काफी भीड़, इसकी 3 गुना 4 गुना भीड़ कैमरामैन चेहरा इधर कार्यक्रम में हुआ करती है, लेकिन प्रतिकूल मौसम के बाद भी इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हुए हैं। आए हुए सभी भाई बहनों का, सभी अधिकारियों का, सभी समाज सेवियों का
गोवर्धन जन कल्याण सेवा समिति उदिया आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करती है। मित्रों, भोजन का कार्यक्रम मात्र आधे घंटे और चलेगा। जो लोग भोजन में लिए हो जाए भारत में।